तो देखा जाए, आज की क्लास में साबित करना है f बराबर ma, ये कल के भी क्लास में साबित किए थे। कल के क्लास में जब साबित किए थे तो f बराबर ma प्रारंभिक रूपांतरण विधि से जो है वो उसको बनाए थे, या प्रारंभिक सैद्धांतिक विधि से बनाए थे। आज के क्लास में सैद्धांतिक विधि का उपयोग नहीं करना है, आज के क्लास में कलन के सिद्धांत से जो है वो साबित करना है कि f बराबर क्या होता है, ma होता है। अगर कोई भी पिंड है तो उस पिंड पर जब हम f बल आरोपित करते हैं तो f बल आरोपित करने के पश्चात वह पिंड क्या करता है, गति करता है, और जब वह पिंड गति करता है तो प्रारंभिक अवस्था में उसका वेग u का मान शून्य होता है, पर बल लगते ही उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब उसका वेग बढ़ता है तो अंतिम में उसका वेग फिर जीरो हो जाता है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है। कहां पहले वेग शून्य था, अब वेग फिर से भी हुआ, और भी के बाद अंतिम वेग क्या हो गया, शून्य हो गया। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। यानी जब कभी भी अगर हम बल लगाते हैं किसी पिंड पर, तो बल लगाने के पश्चात वह पिंड कहां जाता है, आगे की ओर जाएगा, यानी जिस दिशा में बल लगाएंगे उधर जाएगा। जैसे यह ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पर बल हम इस दिशा में लगाएंगे तो ये इधर ही ना जाएगा, देखो जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो जिस दिशा में बल लगाएंगे उसी दिशा में जाएगा। तो ऐसी स्थिति में न्यूटन ने जो है वह अपने गति का दूसरा नियम दिया था, ये बताया था कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है वह लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो अभी फिलहाल जो हम देख रहे हैं इसमें साबित करना है f बराबर a में कलन विधि से साबित करना है। तो संवेग में परिवर्तन की दर यानी कि p बाई टी, संवेग में परिवर्तन की दर मतलब p बाई टी। तो अब p बाई टी, p हो गया संवेग और बटे में t यानी कि परिवर्तन की दर, क्योंकि परिवर्तन का दर कभी भी निकाला जाता है तो किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। कोई भी चीज जो इस ब्रह्मांड में है वह किसके सापेक्ष परिवर्तित होती है, समय के सापेक्ष। एक दीवाल खूब बढ़िया सा रंग पोत दिए हैं, वो भी समय के सापेक्ष क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। एक लोहे का खूब बढ़िया रॉड जो है वो गाड़ दिए हैं, जमा दिए हैं एकदम सीमेंट में, वैसे ही छोड़ दिए, समय के सापेक्ष वो भी परिवर्तित हो जाएगा। एगो इंसान समय के सापेक्ष परिवर्तित हो जाता है, होता है कि नहीं होता है। जब बचपन में रहता है तो छोटी सी अवस्था रहती है, धीरे धीरे समय के साथ वो बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है, कहानी खत्म। तो समय के सापेक्ष हर एक चीज परिवर्तनशील होता है। तो जब संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, तो ऐसी स्थिति में संवेग में परिवर्तन का दर निकालेंगे, अर्थात p बाई टी का मान निकालेंगे, और तब गणना करेंगे तो f बराबर ma आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, हमें जो है सबसे पहले ये देखना है कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और इस m द्रव्यमान के पिंड पर कौन सा बल लग रहा है, f बल लग रहा है, और ये जो f बल लग रहा है यह इस पिंड को आगे की ओर क्या कर देता है, गति प्रदान कर देता है। और जब यह आगे की ओर गति प्रदान करता है तो इसका द्रव्यमान तो m ही रहता है, द्रव्यमान बदलता नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रारंभिक स्थिति में इसका जो वेग है वो जीरो है, और फिर यहाँ पर वेग इसका v है, और अंतिम वेग इसका फिर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, कोई दिक्कत। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ही एक बल लगाया गया तो यह जो पिंड है वह लगाए गए बल की दिशा में क्या हो गया, आगे बढ़ गया, विस्थापित हो गया, और अंततोगत्वा फिर वह जब धीमा हुआ तो वेग का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। जैसे ही आपने ये इसकी गति देखी तो अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यह पिंड आगे बढ़ रहा है, वेग से अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका द्रव्यमान भी तो आगे बढ़ रहा है। तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, कहते हैं या नहीं कहते हैं। यानी हमने लगाया एक पिंड पर बल और उस पिंड में उत्पन्न हो गया संवेग, क्योंकि वह पिंड लगाए गए बल की दिशा में क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है। इसको बंद कर दो, पंखा को, आवाज आएगा। तो अब यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, संवेग उत्पन्न हो रहा है। तो जब संवेग उत्पन्न हो रहा है तो संवेग में परिवर्तन का दर ही ना बताना है। अब ध्यान से देखो क्या होगा, सबसे पहले m द्रव्यमान का पिंड है तो लिखेंगे, माना कि m द्रव्यमान वाले पिंड पर, m द्रव्यमान वाले पिंड पर कौन सा बल आरोपित होता है, f बल, f बल आरोपित होने के पश्चात, होने के पश्चात उस पिंड में उत्पन्न संवेग, उस पिंड में उत्पन्न संवेग, देखो क्या होगा, तो उस पिंड में उत्पन्न संवेग क्या हो जाएगा, तो उत्पन्न संवेग हो जाएगा p बराबर mv, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। जैसे ही पिंड में यह संवेग उत्पन्न होता है तो पिंड की दिशा वही होती है
जिस दिशा में बल लगाया जाता है, ये भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। यहाँ पिंड की दिशा, यहाँ पिंड की दिशा लगाए गए बल की दिशा में होती है। आप ध्यान देना, हमें क्या करना है, तो P बराबर एम भी दिया हुआ है ना, तो P बराबर एम भी दिया हुआ है, तो लिखेंगे कि चूंकि P बराबर क्या है, एम भी है। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर मतलब P बाई टी ना, तो इसका हम अब अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू टी बोथ साइड, क्योंकि संवेग में परिवर्तन का दर चाहिए तो समय के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा। तो अब ये P है तो अब ये क्या हो जाएगा, dP और बटे में कितना है dT, लग गया कलन का सिद्धांत, dP बटे में dT, और dm into v या बटे में कितना dT, अब ये आ गया dP और बटे में कितना dT बराबर m पहला फलन और v क्या हो गया दूसरा फलन। तो सूत्र बताए थे पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन जोड़ दूसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, तो यहाँ m है तो हो जाएगा पहला फलन इंटू दूसरे का अवकलन आ जोड़ दूसरा फलन आ इंटू पहले का अवकलन dm बाई dt, कोई दिक्कत। अब जैसे ही आपने ये मान देखा तो अब आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा, अब आपको यहाँ पर मान मिल रहा है dP और बटे में कितना dt बराबर m है तो हम लिखेंगे m इंटू dv बाई dt यानी वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन की दर तो dv बाई dt रख दिए यहाँ पर, आप प्लस भी है तो लिख दिए प्लस भी और इनटू, अब इसके बाद आ रहा है डीएम बाई डीटी, एम बाई टी का मतलब हो गया कि द्रव्यमान में परिवर्तन। तो क्या जब हम किसी पिंड पर अगर बल लगाएंगे तो वह पिंड जब लगाए गए बल की दिशा में आगे बढ़ेगा तो प्रारंभिक बिंदु पर उस पिंड का जो द्रव्यमान होगा अंतिम बिंदु पर द्रव्यमान में परिवर्तन हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 5 kg का ऑब्जेक्ट है या उस पर बल लगा रहे हैं, वो विस्थापित हो रही है, तो बल लगने के पश्चात वह जिस बिंदु पर वस्तु जाएगी वहां पर भी उसका द्रव्यमान कितना रहेगा, 5 kg रहेगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि द्रव्यमान में परिवर्तन हो रहा है, गलत है, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन शून्य होता है, द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब भी और इंटू क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों हो गया जीरो, क्योंकि द्रव्यमान में परिवर्तन बराबर क्या होता है, जीरो। हम किसी ऑब्जेक्ट पर, हम इसी मार्कर पर, यहाँ ये रखा हुआ है, इस पर बल लगा दिए, आप बल लगाए तो यहाँ इसका द्रव्यमान 10 ग्राम है, आप बल लगाया देखो ये आ गया मान लो यहाँ तक, तो क्या यहाँ पर इसका द्रव्यमान 10 ग्राम से कम हो जाएगा या 10 ग्राम से अधिक हो जाएगा, जो है द्रव्यमान वही रहेगा, यानी द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होगा, बदलेगा नहीं, यानी जो द्रव्यमान है वही रहेगा, नियत रहेगा। तो अब यहाँ पर dm by dt बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। अब जैसे ही जीरो आया तो हमें मिल चुका है dp by dt का मान जो है m into dv by dt। अब हम त्वरण की परिभाषा से देखें तो त्वरण की परिभाषा से हमें यहाँ पर एक व्यंजक मिलता है, क्योंकि त्वरण की परिभाषा से हमें यह पता है कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी a बराबर v बाई टी, तो ये तो अवकलन के पद में है ना, अब v बाई टी है या नहीं है, तो यानी ये वेग में परिवर्तन का दर है, तो हो जाएगा dp और बटे में कितना dt और बराबर m सेम टू सेम और इंटू dv बाई dt है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये जो आपको मिला है संवेग में परिवर्तन का दर है, और न्यूटन के गति का दूसरा नियम कहता है कि संवेग में परिवर्तन का जो दर होता है लगाए गए बल के समानुपाती होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि प्रकाश की चाल, या लिखेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट पर, लिखेंगे यदि m द्रव्यमान के पिंड पर कौन सा बल लगाएंगे, F बल आरोपित करेंगे, आरोपित किया जाए तो पिंड नियत वेग से गति करेगा, नियत वेग से गति करेगा, अर्थात अब हम लिखेंगे किसके नियम से, तो न्यूटन के गति के दूसरे नियम से,
संवेग में परिवर्तन का दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अगर किसी पिंड पर जिसका द्रव्यमान m है हम बल F लगा रहे हैं तो F बल लगाने के पश्चात उस पिंड में उत्पन्न संवेग में परिवर्तन का जो दर होगा वह लगाए गए बल के क्या होगा? समानुपाती होगा। तो लिखेंगे अर्थात न्यूटन के गति के दूसरे नियम से। तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम यह कहता है कि जो संवेग में परिवर्तन का दर है या संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती है? तो लगाए गए बल के। यानी हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि संवेग में परिवर्तन की दर मतलब डीपी बटे में डीटी समानुपाती किसके है? एफ के, है ना। तो जब अब यहाँ पर डीपी बाई डीटी आया तो डीपी बाई डीटी का मान क्या है? एम और ए, समीकरण एक मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम ए समानुपाती एफ, या एम ए और इंटू कितना के समानुपाती एफ। तो अब यहाँ पर हमें यह प्रारूप मिल गया कि एफ समानुपाती के और इंटू कितना एम ए। तो समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तब ना के आता है जी, समानुपाती का चिन्ह हटेगा तब के आएगा। तो हो जाएगा एम ए और इंटू कितना के बराबर एफ, या एफ बराबर के और इंटू कितना एम ए। अब यहाँ पर एफ अगर एक न्यूटन हो जाए, द्रव्यमान अगर एक केजी हो जाए और त्वरण अगर एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाए तो के का मान एक होगा। लिखेंगे यदि एफ बराबर एक न्यूटन, एम बराबर एक केजी तथा ए बराबर एक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो क्या हो जाएगा? हो तो अब यहाँ पर F बराबर है K और इंटू एम ए, एफ की जगह पर एक के, एक और एक, तो K बराबर कितना आ गया? यह है समीकरण दो। लिखेंगे कहाँ से? समीकरण दो से ना। तो अब F ऐसे ही K और एम ए है तो F बराबर K की जगह पर एक एम ए, तो F बराबर कितना आ गया? एम ए। कलन के सिद्धांत से भी हमने यह साबित कर दिया कि जब कभी भी किसी पिंड पर अगर F बल आरोपित किया जाता है तो F बल आरोपित करने के पश्चात उस पिंड पर लगने वाले बल का मान उस पिंड के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। और इस तरीके से हमने F बराबर ए प्रमाणित किया। ठीक है, इसके आगे देखेंगे अगले क्लास में, पहले इसको नोट किया। नोट किया जाए।